नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ आलोक। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ के बाद पिता को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारने देने की घटना ने पूरे सूबे में हाहाकार मच गया। इस घटना के बाद से सियासत में उबाल आ गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां पीड़िता का रोते हुए इंसाफ मांगने का वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर निशाना साधा, वहीं पीड़िता ने मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के सपा से जुड़े होने का आरोप लगाया। गौरव शर्मा की कई दिग्गज नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। वहीं सपा के कार्यक्रमों वाले बैनर में अखिलेश यादव के साथ लगी तस्वीरों में भी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसके बाद से बीजेपी और सपा समर्थक आमने सामने आ गए। पीड़िता के मुताबिक गौरव ने 16 जुलाई 2018 को घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। पिता ने केस दर्ज कराया तो गौरव को 15 दिन की जेल हुई थी। जेल से लौटने के बाद वो बदला लेने की फिराक में था। गौरव लगातार दबाव बना रहा था कि हम लोग केस वापस लें। जब पिता दबाव में नहीं आए तो उसने उनकी हत्या कर दी। पीड़िता ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग तक कर डाली है। वहीं यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर 1,00,000 रुपए की घोषणा की। फरार दो अन्य आरोपियों पर भी 25,000 रुपए घोषित किया गया, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से पुलिस की टेंशन बढ़ी हुई है। मामले के राजनीतिक रंग लेने के चलते सरकार और प्रशासन के सामने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बड़ी चुनौती है। और इसी के चलते एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेर लिया। ऐसे में सवाल ये, क्या वाकई यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? क्या आधी आबादी के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम लगेगी? आखिर कब महिलाएं खुद को महफूज कर पाएंगी? आज की मुद्दे की बात इसी पर। बेटी के साथ जो भी हुआ, अब एक इंसाफ की बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें राजनीतिक कनेक्शन होने की बात की जा रही है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आज एक बेटी के इंसाफ को लेकर के बात कर रहा हूं। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ के बाद एक पिता को गोलियों से भून कर मौत के घाट उतार देने की घटना पर पूरे सूबे में हाहाकार है। फिलहाल अब तक क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? देखिए, ये जो हाथरस में एक घटना हुई थी, जब लड़की के छेड़छाड़ के मामले में पिता ने FIR 1 साल पहले ही दर्ज कराई थी, उसके बाद जो रंजिश है उस परिवार से लगातार रंजिश की जो रंजिश है वो बढ़ती गई, और शायद यही वजह है कि स्थानीय थाने पे इसकी लगातार पीड़ित परिवार के द्वारा शिकायत की गई थी। लेकिन उसके बावजूद उसकी जो पीड़िता थी लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसके पिता की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इस घटना से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा था, और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से अलीगढ़ में जो ये घटना हुई थी, इसमें जो घटना को कारित करने वाले लोग थे उनकी जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी बहरहाल हाथरस पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है जी। और उमेश, मेरा सवाल आपसे ये कि जो दो और लोग हैं 25,000 के नाम पर, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन उनसे पूछताछ के आधार पर क्या कुछ बातें ऐसी खास निकल करके आ पाई? क्या इस दौरान की मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके? देखिए आलोक जी, बिल्कुल, जो सहयोगी थे ये देखिए मुख्य आरोपी थे, इनके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम था, और इनको हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया, कहीं कहीं ये बड़ी सफलता है। और उनसे जो दोनों आरोपी थे उनसे जब पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो चीजें सामने आई है, जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में भी पुलिस टीमें लगी है, लगातार पुलिस के अधिकारी इस बात के दावे कर रहे हैं, बहुत जल्द ही जो मुख्य आरोपी है जिसके ऊपर जो एडीजी जोन है उनके तरफ से 1,00,000 रुपए का इनाम किया गया है, और बहुत जल्द ही गिरफ्तारी की बात सामने कही जा रही है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं और स्थानीय तमाम और एजेंसियां हैं
वो समन्वय बैठा कर पूरे मामले को पटापेक्ष में लगे। जी उमेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा, हम आगे के बुलेटिन में आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि लगातार आप इस खबर पर बने हुए ग्राइंड जीरो से, और क्या कुछ रही, क्योंकि दो गिरफ्तारियां हो गई हैं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होना अभी भी बाकी है। तो उमेश हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, पुलिस किस तरीके से तफ्तीश कर रही है। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी अपने दर्शकों का परिचय कराएंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच, जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा, और यह ट्विटर भी लगातार हम दिखा रहे हैं, हाथरस की बेटी अब हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का दुर्दांत कांड हुआ है। यह अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट किया, यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर बड़ा मुद्दा सामने आया है, और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सरकारें बनी भी हैं और सरकारें गिरी भी हैं। एक बार फिर सरकार के सामने यह मुद्दा पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के। हालांकि इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें, इन चुनावी सर्मियों गर्मियों के बीच में पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, सुरक्षा का हवाला देते हैं, इस बीच आप पार्टी के संजय सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था देखिए और आप पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए। लेकिन कुल मिलाकर सवाल राजनीतिक नहीं है, बात है बेटियों की सुरक्षा की। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए, जल्दी से, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लाइव टुडे के स्टूडियो में रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रुद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र जी, आपने देखा कि हमारे जो संवाददाता उमेश थे, उन्होंने पूरी पुलिसिया तफ्तीश के बारे में बताया, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, इसलिए मेरा सवाल आपसे राजनीति को लेकर के, इस सारी जांच एक तरफ चल रही है, सारी कवायद एक तरफ, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां पीड़िता का रोते हुए इंसाफ मांगने का वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो मामले को कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो लाइव टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिला दिवस के दिन किसी भी और मुद्दे को छूने के बजाय उस ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करने का काम किया जो सीधे महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है, उनको न्याय व्यवस्था से, उनको न्याय में दिलाने से जुड़ी हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये राजनीतिकरण तभी शुरू हो गया था जिस दिन ये घटना खुल के आई, हालांकि होना भी चाहिए, कई बार राजनीति फायदेमंद होती है उस आधी आबादी के लिए जिसकी सुनवाई नहीं हो रही होती है। शाम को ही अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया, लेकिन तुरंत ही काउंटर आया, कन्नौज के सांसद ने उसकी फोटो जारी की जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है, और उसको बताया कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। मेरा सवाल ये उठता है, 2017 में गौरव शर्मा की फेसबुक से दोस्ती हुई लड़की से, 2018 में शिकायत दर्ज हो गई, FIR को लेकर शिकायत हुई, 2019 में फिर से इनके घर वाले गए, जिसकी हत्या हुई है उनके घर वाले गए शिकायत कराने, FIR कराने, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं हुई, उसके प्रति एक बड़ी वेबसाइट के पास है, और फिर उसके बाद ये हत्या हो गई। मेरा ये कहना है कि लखनऊ में चौराहे हैं, ऐसे चौराहे जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक सिपाही नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर सिग्नल रेड होता है तो ज़्यादातर लोग रुकते हैं। वो इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें वो बहुत अनुशासन प्रिय हैं, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो आर्थिक नुकसान का भय है जी। सरकार का इस्तकबाल होना चाहिए, कानून व्यवस्था का एक भय होना चाहिए। एक व्यक्ति लगातार इस तरह का क्राइम कर रहा है, इनफैक्ट वो जेल जाके आ चुका है, 29 दिन की उसने जेल काटी, 354, 452, 506 इतनी गंभीर अपराधों में वो जेल गया, जेल के बाद भी उसने 5 साथियों के साथ हत्याएं की और वो सभी अवैध असलहे थे। मतलब आप ये सोचिए, जो जमानत मिली वो गलत थी, कहीं ना जमानत गलत थी, न्याय व्यवस्था पे सवाल वहीं से उठना चाहिए था। उसके बाद भी उनके जब वो पुलिस के पास जाते थे, पुलिस उनसे कहती थी आप 112 के पास जाइए, वहां पे कंप्लेन करें, जब वो दीवान जी के पास जाते थे तो FIR रिपोर्ट नहीं दर्ज होती थी, और ये लगातार इसी सरकार में बिल्कुल ये सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें पारदर्शिता बरती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन एक पीड़िता को किस तरीके से अपनी बात रखने के लिए किन किन अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े, उसका दर्द भी सुनिए। अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बड़ी विडंबना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 8 मार्च को, आज से ही और पिछले 4-5 दिन से पूरा सप्ताह कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं आयोजन चल रहे हैं, कहीं सम्मान समारोह हो रहा है, कहीं महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद जी ये भी एक बड़ी विडंबना है कि आज हम वही महिला की सुरक्षा की यहाँ पर आज बात कर रहे हैं और आज मुझे ये डिबेट रखना पड़ा। अरविंद जी बिल्कुल देखिए, चूंकि महिला दिवस है, स्वाभाविक रूप से आधी आबादी भी महिलाओं की है, तो उनका सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन सम्मान तो साथ साथ में सुरक्षा बहुत जरूरी है। रुद्र जी ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया कि लखनऊ के सड़कों पर ट्रैफिक का इशारा समझ करके रुकने वाले अनुशासन प्रिय तो रुकते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं और जो है ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसे ही लोगों को रोकने की जरूरत है। समाज में ऐसे लोगों की भरमार है जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, जो सामाजिक जो अमूल्य है, मापदंड है, उसका उल्लंघन करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और दो तीन संदर्भों में इसको देखना होगा। जब 16 जुलाई 2018 को जब FIR हुई और इसके बाद जो है वो गिरफ्तार किया गया, 15 दिन जेल में भी रहा। जब वो जमानत के बाद आया तो स्थानीय जो पुलिस है उस पर निगाहबानी नहीं कर सकी, यानी उसका हौसला बढ़ता रहा और जो है पीड़िता का जो परिवार है उसको जो है दबाने की कोशिश करता रहा। अंततः यह निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में उससे कुछ दिन पहले जो है प्रयागराज में भी आपने देखा होगा, सीतापुर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। सवाल उठना लाजिमी कि आखिर इस तरह की घटना और अरविंद जी, और बड़ी बात यह कि सवाल जैसा कि आपने भी कहा, मतलब पिछले जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, तो पूरी तरीके से पिछली जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी कोई सबक नहीं लिया। सीधा तौर पर संदेशा तो यही जा रहा है अरविंद जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसको दो तीन संदर्भों में देखना होगा। एक तो कानून व्यवस्था से जुड़ा है ही, साथ ही जो है इसका जो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है और अदालती परिप्रेक्ष्य भी है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य यह कि NCERB का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 57% लोग जो है वो फेसबुक पर ऐसे तैसे दोस्ती करते हैं, शादी का झांसा देते हैं, फिर इसके बाद बलात्कार करते हैं। 37% तो जानने वाले घर के आस पड़ोस के रिश्तेदार नातेदार होते हैं। केवल 6% ऐसे लोग होते हैं जो कि अनजाने होते हैं, जिसको पीड़िता नहीं पहचानती है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर सामाजिक जो चेतना है, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उन ऐसे लोगों पर निगाहबानी क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, बहुत अच्छी बात आपने उठाई रुद्र जी, जो सामाजिक हमारा जो ताना बाना है आज के इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, तो मैं एक सुझाव भी आपसे चाहूंगा कि कैसे बचा जा सकता है समस्या, क्योंकि समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है कि समाधान भी होगा। लड़कियां घर से बाहर निकलने के लिए तरसती हैं, एक अदद जीन्स पहनने के लिए तरसती हैं, आप जॉब तो छोड़ दीजिए मीडिया या कॉर्पोरेट में, मुफ्त में इंटर्नशिप करने के लिए तरसती हैं। अगर उसके बाद भी वो सारी बंदिशें तोड़ के निकल रही हैं, हिम्मत कर रही हैं, तो कोई एक मंचला लड़का आके उनको छेड़ता है, छेड़ने के बाद तंग करता है, FIR लिखी नहीं जाती और उसके बाद आके पिताजी को गोली मार देता है। ये एक घटना काफ़ी है 10 लड़कियों को डराने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सामाजिक संरचनाओं को बदलना है तो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज के टाइम में सोशल मीडिया का इतना तेज फैलाव हो रहा है और आप OTT पे आ रहे कंटेंट को देख लीजिए, क्या वो गरिमापूर्ण है? क्या सरकार को यहां से नहीं शुरुआत करनी चाहिए? कोर्ट को हस्तक्षेप भी करना पड़ा जो, हाँ जी बिल्कुल, उनको कहा कि वो काफी नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जब इस तरह की फिल्मों का प्रचलन बढ़ता है तो महिलाएं सुरक्षित होती हैं। बस स्टॉप पे खड़ी महिला भी सुरक्षित है, कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा है क्योंकि उसको मालूम है उसके फोटो की कीमत वेबसाइट पे लग जाएगी। मॉल में कपड़ा चेंज कर रही युवती भी असुरक्षित है क्योंकि उसको मालूम है उसके उसकी क्लिपिंग की कीमत लगेगी। सरकार को ध्यान देना चाहिए OTT पे आ रहे कंटेंट की। सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा, क्यों ना अब सबसे बेहतर समय है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, लोग समझ पाए कि आपके मेल को कैसे Gmail पहले से पढ़ लेता है, व्हाट्सएप आपके मैसेज को कैसे रीड करके आपको टेम्पलेट्स पहले से दे देता है। ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा लड़कियों को पता होंगी वो उतना ज़्यादा अवेयर होंगी नई आने वाली तकनीकियों से, अपने अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं, कौन से वो नंबर हैं जिस पे वो तुरंत डायल कर सकती हैं, कौन से वो ऐप हैं जिनसे वो तुरंत सरकार तक या पुलिस प्रशासन तक पहुँच सकते हैं। हमें लगता है सामाजिक संरचना में हमें बचाव के तरीकों पर पहले पहुँचाना चाहिए। अगर इसके बिल्कुल बहुत अच्छे रुद्र सर, आपने जो छोटी छोटी बताया जो टिप्स, इन पर वाकई में कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर इनको हम फॉलो करते हैं, इनको हम आत्मसात करते हैं तो बहुत हद तक एक बड़ी समस्या से बचा जा सकता है, जैसा कि रुद्र जी ने कहा। अरविंद जी, जब यहाँ पर आज हम एक बेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो हालात तस्वीर नजर आ रहे हैं, अब लगने लगा है कि एक बेटी होना और एक बेटी का बाप होना दोनों से अब डरने लगने लगा। लोग भी अब कहने लगे तौबा तौबा, मतलब अब इस समय ये माहौल है, ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। देखिए, हर बाप डरता है जब बेटी घर से बाहर निकलती है, शाम तक नहीं लौटती है, तो उसके दिमाग में न जाने कितनी जो है हलचलें चलती है और तमाम आशंकाओं से वो घिर जाता है। स्वाभाविक रूप से यह जो एक जो सामाजिक व्यवस्था है और जिस तरह से बच्चियों के बचाव के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो देखिए, भारत में सजा की दर बहुत कम है। आपने देखा कि निर्भया का जो कांड था कितना हाई प्रोफाइल था और 7 साल बाद जाकर के गुनाहों को सजा मिली।
जब 2004 में धनंजय चटर्जी को सजा दी गई फांसी की, तो माना गया कि शायद कुछ इस पर विराम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। आज की तारीख में अदालतों पर केवल बलात्कार के 1 लाख से अधिक मुकदमे हैं। अगर उसको सुलझाया जाए तो कम से कम 2 दशक लगेंगे। सोचिए कि फिर हालात कैसे होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात की देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में अभी रिकॉर्ड देख रहा था तो कम से कम जो है बलात्कार के मामलों में जो है 28% की कमी आई है, चाहे ये कागजी हो चाहे जो कुछ भी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात की 2019 में योगी जी की सरकार जो है 219 जो है या 218 जो है फास्टैग अदालतों का गठन की, या जमीन पर कितना उतरा है कितना नहीं उतरा है, या थोड़ा विमर्श का विषय होगा। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जो है 14 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है देश में, और 88 बच्चियों का पूरे जो है दिन भर में। तो सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर जो है हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह के देश का निर्माण कर रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े वाकई में कहीं ना कहीं अरविंद जी चौंकाने वाले हैं। अरविंद जी, बहुत एक अहम सवाल का जवाब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले में जांच एक तरफ चल रही है, राजनीति एक तरफ चल रही है, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ चल रहा है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच पीड़िता की बात मैं करूं तो पीड़िता ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर डाली। उसने कहा कि वैसे ही क्या आप एनकाउंटर करेंगे जैसा कि हुआ था पहले लोगों का, लेकिन सवाल यह कि अब उसको न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था में इतनी लेट लतीफी होती कि भरोसा नहीं। उसने खुद कहा कि एनकाउंटर अब होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, चूंकि हम लोग एक संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो इस तरह की बात को हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की बात उठती है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि कहीं ना कहीं जो है न्याय मिलने में देरी हो रही है। कानून की जो चक्की है बहुत धीरे धीरे चल रही है, महीन पीसने के बजाय जो है मोटी पीस रही। तो स्वाभाविक रूप से जो पीड़िता है वो कहीं ना कहीं उसका तो अपना मांग होगा कि जो अपराधी है, जो समाज के लिए नासूर है, देश के लिए नासूर है, ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि सरकार का पक्ष क्या होगा, क्या ऐसे लोगों को 1 मिनट भी जिंदा रहने का हक है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर जब तक जो अदालतें बनाई गई हैं, गठित की गई है, तो उसके उसके संदर्भ में भी इसको लाना जरूरी है। और अब यह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अदालतों का इस पर क्या रुख होता है। तो कहीं ना कहीं जो इस सारी जो प्रणाली है उसमें जो धीमा बनाया है उसके लिए हमारी व्यवस्था के साथ साथ अदालतें भी जिम्मेदार है, जिस पर गहन चिंतन की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो रुद्र जी, जैसा कि अरविंद जी ने भी साफ तौर पर कहा, लेकिन सवाल ये कि जब बीच में ये मुद्दा कई बार उठता है कि अदालतों का, तो अदालतों में बहुत ज्यादा रश रहता है तो फास्ट ट्रैक अदालतें, लेकिन वहां भी तो कोई निस्तारण बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों का आप कोई रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं और ये फैसला ऑन स्पॉट की मांग कर रहे हैं, और इसका बानगी हैदराबाद में भी कई जगह में भी देखने को मिली, पिछले कई ऐसे मामले सामने आए। आलोक जी, आदरणीय अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, अगर आप फास्ट ट्रैक अदालत के पास भी जाते हैं तो भी 7 साल ले लेती है। 7 साल एक लंबा अरसा होता है किसी की लाइफ के लिए, और उसके बावजूद देखिए वो लड़की क्या कह रही है, इनकाउंटर कह रही है या नहीं कह रही है, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस लड़की का दुख अब इतना बढ़ चुका है कि वो एक्सट्रीम लिमिट पे जाने के लिए तैयार है। हम लोकतंत्र में किसी के दुख को कभी भी इतना नहीं बढ़ा सकते, चूंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, कि जहाँ पे वो एक्सट्रीम लिमिट पे जाके बात करने। क्या सरकार को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या सरकार के लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई? प्रशासन को जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? जो 2018 में वो छूटा, क्या उसकी कहीं जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए? जब वो जिम्मेदारियां नहीं तय होती हैं उसके बाद किसी का गुस्सा यहाँ पे पहुँचता है कि यहाँ तक पहुँच जाए। हम महिला मंत्रियों को बना देते हैं, महिला विधायकों को बना देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत हद तक एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनसे कितनी महिला सशक्तिकरण होता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के ओएसडी में एक महिला अधिकारी की नियुक्ति होती है तो मुझे मालूम है कई महिलाओं को अपनी बात कहने के लिए एक सहूलियत मिल जाती है। वो महिलाएं जो जाके मुख्यमंत्री से वो बातें नहीं कह सकती हैं, अगर वो किसी महिला ओएसडी को देखती तो बातें कह सकती हैं। तो हमें अब सांकेतिक प्रदर्शनों से बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसा कोई ठोस कदम करना होगा जहां पे लड़कियां, माताएं, बहनें एक्सट्रीम लिमिट पे जाके इनकाउंटर की मांग ना कर पाए। जी रुद्र जी, अक्सर इससे पहले भी जो भी मामले सामने आते वो घूम फिर के राजनीतिक रंग साफ तौर पर ले लेते, और इस मामले में भी कुछ ना कुछ यही हो रहा है। तो ऐसा किस तरीके से किया जा सकता है सिस्टम में, बताओ कि राजनीतिक रंग लेके उनकी फोटो उनके साथ, उनकी फोटो इनके साथ, तथ्यों पे सीधे कट टू कट बात हो ताकि पीड़िता को इंसाफ मिले। फोकस इस बात पर होना चाहिए। आलोक जी, शायद ये फोटो का ही खेल है जिसकी वजह से विधानसभा में हाथरस का मुद्दा उतने अच्छे से एड्रेस हो नहीं पाया।
आपकी फोटो उनके साथ, उनकी फोटो उनके साथ, दोनों लोगों ने एक दूसरे को गाली दिया, दोनों ने एक दूसरे की ताली बजाया और वापस हो गए। मैं ये कह रहा हूं ये अगर हत्या है तो फोटो से आगे बढ़ के किसी का हो, वो एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी का हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1 लाख का इनाम बड़ा इनाम है। अगर 1 लाख के इनाम के बाद भी आपके पास 10 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो आपको पुलिस प्रशासन से, अपने जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफा लेना चाहिए। आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि आपके पास कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस है जो एक पेशेवर अपराधी, अभी तक ये बताया गया कि पेशेवर अपराधी नहीं है, वो मन चला था, मन बढ़ा था, जिससे राजनीतिक शक्तियों का सर प्राप्त था। अगर वो इतने दिन तक आपको छका सकता है तो आपको अपने पुलिसिया व्यवस्था को भी जांचने और समझने का, पुलिसिया सिस्टम को बार बार अरविंद जी दुरुस्त करने की बात की जाती है, लेकिन कोई कितनी भी सरकारें आई लेकिन स्थिति वही रहती है। आखिर बात करें कि कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को कहीं ना कहीं, इसीलिए शायद ऐसे ही मुद्दे हैं जो विपक्ष को भी एक मौका मिलता है घेरने का। बिल्कुल जी, देखिए मैं रुद्र जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए सरकारें सिर्फ पर निर्गुण बहस चलाती है और जो है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक ऊर्जा हासिल करने की कोशिश करती है। अब देखिए जो अपराधी है उनका जो है कोई न जाति होता है, न धर्म होता है, न कोई राजनीतिक दल होता है। वो जिस फ्रेम में जहां बेटर फिट महसूस करते हैं वहां पर फिट हो जाते हैं। यही कारण है कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनका जो है सभी दलों से राजनीतिक रिश्ता नाता होता है, और जो भी सरकारें आती हैं अगर उनके फायदे के अनुकूल रहता है तो उनका संरक्षण करती है। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब चूंकि अदालतों को भी सक्रियता बढ़ानी होगी, बार बार जो ऐसे अपराधियों का जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जाता है, रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाता है और फिर मर्सी पिटीशन, इस पर कहीं ना कहीं जो है सख्ती से कानून बनाने की जरूरत है कि क्या ऐसे अपराधियों को निशंस जो है, ठीक है कि उन्हें कानूनी हक हासिल है और वो संविधान ऐसा उनको देता है, लेकिन बावजूद इस पर कहीं ना कहीं जो है न्यायालय को आगे बढ़ करके विचार करना होगा कि ताकि समय जाया ना हो, ऐसे लोगों को तत्काल जो है सजा मिले, ताकि जो है समाज में संदेश जाए और सरकार सजा मिले और समाज में भी संदेश आ जाए। रुद्र जी एक एक फाइनल कमेंट में आपसे, कुल मिलाकर के जो इकबाल की बात होती है कि इकबाल नहीं कायम हो पा रहा है और पुलिस का डर लोगों में नहीं है, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है कि लोगों में डर बैठे? आप देखिए जितनी चुस्त आप प्रशासन रख पाएंगे, अगर यही गौरव शर्मा की गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर हो गई होती तो शायद आने वाली घटनाओं में आपके सापेक्ष रेट में कमी दिखाई पड़ती, लेकिन जितना ज़्यादा वो गैप बढ़ता जाता है लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसी सुरक्षित जगहें हैं जहां पे आप राजनीतिक व्यक्तियों के संरक्षण में कुछ दिन गुजार सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहां पे आप समझौता हो सकता है। मुझे लगता है ये गिरफ्तारियों के गैप टाइम को कम करके हम ज़्यादा करीब पहुँच सकते हैं जिस सोच को हम सोच रहे हैं। जी अरविंद जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी कि कुल मिलाकर बेटी को इंसाफ, आखिर जिस तरीके से कवायद चल रही कब तक उम्मीद की जा सकती है सिस्टम में, वर्तमान हालातों में, वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए कैंसर को खत्म करना होता है तो उसके कीड़े को मारना बड़ा जरूरी होता है। अगर समाज को व्यवस्थित रखना है, सुरक्षित रखना है, तो ये समाज का जो कैंसर रूपी अपराधी है, चाहे बलात्कारी के रूप में हो चाहे अपराधी के रूप में हो, इनको तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। खत्म करने का तात्पर्य इन्हें शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके कानूनी सजा दी जानी चाहिए, ताकि जो है समाज में सुव्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे। जी बिल्कुल, सुरक्षा बनी रहे और अपराधियों और अपराध पर लगाम लगे, प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रुद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है, क्या वाकई यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं? क्या आधी आबादी के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम लग पाएगी? आखिर कब महिलाएं खुद को महफूज समझ सकेंगी? विचार हम सबको करना है, खास करके महिला दिवस के दिन हम महिला के अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ये सवाल बेहद अहम होता है, इसीलिए आज हमने मुद्दे की बात में ये खास मुद्दा उठाया। नमस्कार।